इस साल बुधवार 14 फरवरी 2018 को महाशिवरात्रि है। इस संबंध में पंचांग भेद भी हैं। कुछ क्षेत्रों में 13 फरवरी ये पर्व मनाया जाएगा। शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिवलिंग रूप से पहली बार प्रकट हुए थे। इसके अलावा ऐसी भी मान्यताएं हैं कि इस तिथि पर शिव जी का विवाह हुआ था। यहां जानिए महाशिवरात्रि पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और सभी राशियों के खास उपाय। शिवरात्रि पर बनेंगे ये शुभ योग। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पवन मनीष शर्मा के अनुसार इस बार शिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसका स्वामी चंद्र है। चंद्रमा मकर राशि में है और ये शनि की राशि है। सूर्य भी शनि की राशि कुंभ में रहेगा। मंगलवार स्वराश यानी वृश्चिक राशि में रहेगा। यह योग सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। खास तौर पर मकर कर वालों के लिए भाग्योदय का समय रहेगा। धनु मिथुन के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं। शेष राशियों के समय सामान्य रहेगा। मेष, शिवरात्रि को कच्चा दूध एवं दही से शिवलिंग को स्नान कराएं एवं धतूरा अर्पण करें, कर्पूर से आरती करें। वृषभ, शिवलिंग को इक्के रुपए से स्नान करवाकर मोगरे का इत्र लगाकर भोग लगाएं और आरती करें। मिथुन, शिवरात्रि पर शिवलिंग अगर स्फटिका हो तो श्रेष्ठ रहेगा। लाल गुलाल, कुमकुम, चंदन, इत्र से अभिषेक करें। आंकड़े के फूल अर्पित करें। मीठा भोग अर्पण कर आरती करें। कर्क, शिवरात्रि पर अष्टगंध चंदन से अभिषेक करें। आटे से बनी रोटी का भोग लगाकर पूजा आरती करें। सिंह, फलों के रूप और शकर की चाशनी से अभिषेक करें। आंकड़े के फूल अर्पण कर मीठा भोग लगाएं। कन्या, धतूरा, भांग, आंकड़े के फूल चढ़ाएं। बिल्व पत्रों पर रखकर नैवेद्य अर्पित करें। कर्पूर मिले हुए जल से अभिषेक कराएं। तुला फूलों के जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। बिल्व, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन चढ़ाएं। आरती करें। वृश्चिक, शुद्ध जल से स्नान शिवलिंग को कराएं। शहद, घी से स्नान कराने बाद पुनः जल से स्नान कराएं और पूजा कर आरती करें। धनु, चावल से श्रृंगार करें। सूखे मेवे का भोग लगाएं। बिल्व पत्र, गुलाब आदि से श्रृंगार कर पूजन पश्चात आरती करें। मकर, गेहूं से शिवलिंग को ढंक कर विधिवत पूजन करें। इसके बाद उस गेहूं को गरीबों में दान कर दें। कुंभ, सफेद काले तिलों को मिलाकर किसी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएं जो एकांत में हो। जल चढ़ाकर शिवलिंग को दोनों हाथों से रगड़ें और आरती करें। मीन, रात्रि में पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग का पूजा करें। ऊनम शिवाय का 35 बार उच्चारण कर बिल्व पत्र चढ़ाएं और आरती करें।